हेलो फ्रेंड्स, हाय। सो दिस इज ए वेरी काइंड ऑफ अ लेट वीडियो बिकॉज ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वी आर ट्राइंग प्राइम फ्लेवर्स। ये सारे फ्लेवर्स नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ ये काफी महंगे हैं और काफी कम जगह पे अवेलेबल है, तो हमको जितने मिल पाए और जो हमारे बजट में हम ले पाए वो हम लेके आए। हमारे पास 5 फ्लेवर्स हैं यहाँ पे एंड हमें इनको ट्राई करने वाले। बॉटल सील पैक है, मैंने ये वाली बॉटल मैंने सबसे पहले ली थी, ये 2 महीने से अभी तक पैक है और ये सारी बॉटल्स रिसेंटली ली हैं। सो वी डिसाइडेड टू यू नो मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट कि चेक करते हैं कि क्या हाइप है। मैं के एस आई को काफी टाइम से देख रहा हूँ, इसको पता नहीं है के एस आई, लोगन पॉल इसको फिर भी पता कौन है, लेकिन के एस आई इसको भी नहीं पता कौन है। तो इनकी ये ड्रिंक्स हैं, काफी फेमस है। जब इसको मैंने बोला कि ये ड्रिंक्स 500-600 के रुपए की थी, तब इसको पता लगा कि हाँ कुछ ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट भी है जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स भी इतनी महंगी आती हैं। तो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? This one. So this is pink वाला कौन सा है? वो red वाला कौन सा? ये pink वाला tropical one चाहिए वाला, ये lemonade. तो ये lemon and lime है। ये personally lemon मेरा भी favorite flavor रहता है चीजों में। मेरे को orange and lemon काफी पसंद है। So here goes। bottle की virginity ले ली है हमने। और ये वीडियो बनाने के लिए हमने 3 घंटे से हम बुक हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे पैलेट्स काफ़ी साफ रहने चाहिए, काफ़ी क्लीन रहने चाहिए, जिससे कि हमें टेस्ट जेन्युइनली पता लग पाए कि टेस्ट क्या है। सो यू ट्राई फर्स्ट। ओह थैंक यू सो मच। लेडीज फर्स्ट बोलना चाहिए। अच्छा, आई लाइक इट। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे टैंग या रसना का जो लेमन फ्लेवर होता है, अगर लेमन फ्लेवर होते, क्योंकि मैंने हमेशा वो ऑरेंज में पिया, तो अगर उसका लेमन फ्लेवर होता है वैसा टेस्ट है, माइनस द शुगर। काफी टेस्टी है, काफी रिफ्रेशिंग है एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी टैंगी सा फ्लेवर है, काफी टैंगी आफ्टर टेस्ट है एंड बट अच्छा है। आई गेस बट आई डोंट थिंक सो कि 600 वर्थ है। अब वो तो अब एनर्जी ड्रिंक का कैसे, जैसे गेटोरेट के साथ इनका कंपटीशन रहता है तो गेटोरेट ऑब्वियसली 40-50 रुपए के आ जाते हैं, तो 600 रुपए तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब सप्लाई। अब नेक्स्ट हम पीने वाले हैं ब्लू वाला, ब्लू रास्पबेरी। ये वन ऑफ द ओरिजिनल फ्लेवर्स थे, आई गेस ये 3 ओरिजिनल फ्लेवर्स थे पहले जब स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुई थी। आगे बाकी फ्लेवर्स बाद में, बट अभी हाँ हम ब्लू रास्पबेरी कर रहे हैं, जो काफी लोगों का मैंने देखा के एस आई का फेवरेट, सॉरी बेस्ट फ्रेंड है मिनी मिंटर, उसका फेवरेट फ्लेवर रहा है। तो लेट्स सी ये कैसा है। नहीं मुझे पहले वाला ज्यादा अच्छा, पहले वाला ज्यादा अच्छा है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे हम इंडियन वेडिंग्स में जाते हैं और एक ब्लू कलर की मॉकटेल मिलती है जो हमें, जो फ्लेवर्ड होती है। ये इंडियन लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात करूं, तो ये बिल्कुल वैसा टेस्ट है, माइनस द शुगर ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें शुगर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, तो इट्स दैट। बुरा नहीं है, लेकिन आई गेस लेमन एंड लाइम इससे बेटर था। नेक्स्ट कौन सा ट्राई करें? ट्रॉपिकल पंच। मुझे उन दोनों के फ्लेवर्स में ज्यादा वेरिएशन दिखी नहीं। हाँ ट्रॉपिकल पंच बट लेमन वाला बेटर था, बट उन दोनों के टेस्ट में ऐसा कोई ज्यादा वेरिएशन थी नहीं। हाँ यू कैन से उसमें थोड़ा आफ्टर टेस्ट थोड़ा टैंगी आता है, आई गेस वही। हाँ तो ये ट्रॉपिकल पंच है। सो लेट्स सी इसमें अगर कोई वेरिएशन कुछ खास आ पाती है तो। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ओके बहुत ही वियर्ड सा आफ्टर टेस्ट है, टैंगी भी है बट कुछ और भी है। आई डोंट नो कि इसका फ्रेग्रेंस ऐसा है बट मुझे इसमें भी कोई ऐसा ज्यादा वेरिएशन दिख नहीं रही है। नहीं वेरिएशन तो है इसमें, आई गेस एक बेसिक जो एक ड्रिंक रहती है वो तो सेम है, जस्ट दैट कि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन ये भी अच्छी है आई गेस।
काफी अच्छी है ये भी, आई गेस मेरे को ब्लू रेस्पबेरी से तो अच्छी लगी इन ऑल ऑनेस्ट। इधर आ जाओ क्या तो उसमें मेरे को अभी तक फिर भी लेमन एंड लाइम ही बेस्ट लगी है। आई गेस अभी तक लेमन एंड लाइम हमारी फेवरेट है। आई गेस ट्रॉपिकल पंच सेकंड पे जाएगी एंड ब्लू रेस्पबेरी थर्ड पे रहेगी। उसके बाद हम ट्राई करते हैं कौन सी करें, मेटामून ट्राई करते हैं। आई गेस ये हमने सबसे लेटेस्ट बॉटल ली थी। यस ये एक्चुअली मेरे को सोनाली ने गिफ्ट करी थी, सो थैंक्स टू हर। आई गेस पहली बॉटल भी इसने मेरे को गिफ्ट करी थी, तो बोथ ऑफ द बॉटल्स वर गिफ्टेड टू मी बाय हर। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज रियली गुड। इसका आई गेस सोनाली को तभी पसंद आएगा क्योंकि इसका एज सच कोई खास फ्लेवर है नहीं, बट मुझ नहीं वो बुरी बात नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक कुछ मेरे को बहुत कुछ वाव दिखा। आई गेस दिस इज द बेसिक ड्रिंक यू कैन गेट बिकॉज इसके अंदर कोई आपको फ्लेवर नहीं मिलता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंड, बट आई वोंट से बैड, इट्स ब्लैंड बट इट्स नॉट बैड। मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट लगा ये वाला अभी तक का। या सूट्स हर चॉइस बट या ये लास्ट फ्लेवर हमारा। ये बॉटल मैं एक्चुअली सबसे पहले सोनाली ने मेरे को दी थी, ये बॉटल ये 24/7 से इसने ली थी एंड बाकी सारी बॉटल्स भी 24/7 से ली है, जस्ट दैट ये वाली बॉटल अभी 24/7 पे आई है लेकिन ये वर्ल्ड स्टोर एंड अमेजोन पे भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। 500-600 रुपए की है तो आई वोंट रेकमेंड कि आप ले क्योंकि इसमें और गेटरेड में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। और ये 1000 रुपए की है और ये जिस टाइम ये हमने ली थी उस टाइम 1000 रुपीज की थी, सो या इट्स अ नो गो। ये कौन सा फ्लेवर है? ये है आइस पॉप, इसमें फ्रांस का झंडा बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा अगर आप ट्रॉपिकल पंच इसमें थोड़ा सा मिला दें तो आई गेस वैसा सा फ्लेवर आएगा लेकिन हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सो इन द एंड वी वुड से लेमन एंड लाइम इज द बेस्ट, तो लेमन एंड लाइम इज द ओजी फॉर अस। सेकंड वी वुड पुट आई गेस आई वुड इसमें सबसे ज्यादा फ्लेवर था इस वजह से मुझे अच्छा लगा। आई गेस फ्लेवर उसी तरह वर्क करते हैं जिसमें ज्यादा फ्लेवर होता है आई गेस इंसान को वही पसंद आता है, बट या आई गेस बेसिक ह्यूमन लॉ। बट आई गेस सेकंड हम आई गेस मैं पर्सनली इसको पुट करूंगा, कैन वी पुट इट इन सेकंड? ओके सो आइस पॉप इज सेकंड, थर्ड आई वुड से मेटामून बिकॉज सोनाली को भी ये काफी पसंद आई एंड मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई लेकिन बाकी दो से मेरे को ये फिर भी ठीक लगती है जो फोर्थ एंड फिफ्थ उससे, सो इस वजह से यूनानिमसली हमारी थर्ड बनती है। फोर्थ आई गेस दोनों की चॉइस ट्रॉपिकल पंच ही रहेगी एंड लास्ट आई वुड से ब्लू रेस्बेरी। सो ये हमारी चॉइसेस है, इसमें और भी फ्लेवर्स अवेलेबल है, ऑरेंज है, एक स्ट्रॉबेरी है, एक येलो कलर का बट आई डोंट नो वो कौन सा फ्लेवर है एंड एक ब्लैक कलर की बॉटल आई वो भी काफी सेक्सी बॉटल है, तो अगर टाइम लगा टाइम या पैसे लगे तो शायद हम वो एक ट्राई करने के लिए ले लें। बट हाँ ये पांच फ्लेवर की हमारी टेस्टिंग ये थी इंडिया से। आई डोंट नो कि अगर किसी ने वीडियो बनाई नहीं बनाई, अगर बनाई है तो हम काफी स्टूपिड साउंड कर रहे हैं इस टाइम पे, और अगर नहीं बनाई है हम ऑफिस से तो फिर हम कुछ नया स्टार्ट कर। 500 रुपए इसके लिए नहीं देना, इंडिया में 500 रुपए काफी लोग दे देंगे और हमारी तरह कोई सोशल मीडिया पे फ्लेक्स नहीं करेगा इस चीज का कि हाँ हम पांच बोतलें पी रहे हैं 2500-3000 रुपए लगा के, तो ये बात भी याद रखना। जिसमें से दो इसको गिफ्ट किया, तीन इसको फ्री मिली है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को समझ आएगा एंड ये थी हमारी रैंकिंग फ्रॉम मी एंड सोनाली, इट्स चाओ।